संजना के लिए करण को स्विमिंग सिखाना एक सरदर्द जैसा था, लेकिन जब शर्लिन को पता चला कि संजना जिसको स्विमिंग सिखा रही है वो करण ग्रोवर है, तो वो जलन के मारे जैसे पागल सी हो गई। करण सफलता के सबसे ऊंचे पायदान पर खड़ा वो इंसान था जिसके बारे में वो अपनी सपनों में भी नहीं सोच सकती थी। उसने एक बार संजना का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि उसका कभी भी ऐसे किसी इंसान के साथ कोई कनेक्शन नहीं बन पाएगा, लेकिन आखिर में उसे ये बात हजम नहीं हो रही थी कि वो स्टूडेंट जिसे संजना स्विमिंग सिखा रही थी वो कोई मिस्टर या मिसेस ग्रोवर नहीं बल्कि उनका हाई क्लास बेटा करण ग्रोवर है। उसे लग रहा था कि ये मौका तो उसे मिलना चाहिए था। उस दिन अगर संजना ने वहां आकर कोच मोहिंदर से एंडोर्समेंट की डिमांड नहीं की होती तो उस वक्त वो ही वहां पर होती जब मिस्टर जय सिंघानिया अपने साथ प्राइवेट ट्यूटर रिक्रूट करने के लिए मिस्टर मेहता को लेकर आए थे। वो एंडोर्समेंट फिर उसका होता और करण ग्रोवर को स्विमिंग सिखाने का काम भी उसे ही मिलता। लेकिन अब सब कुछ फिक्स हो चुका था। शर्लिन को इस बात से चाहे जितनी भी जलन हो रही हो, संजना को ताने मारने के अलावा वो और कुछ भी नहीं कर सकती थी। कभी कभार संजना को शर्लिन पर तरस भी आता था। असल में वो काफी अच्छी स्विमर थी, कोच मोहिंदर उसे ऐसे ही पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसका दिमाग कभी भी ट्रेनिंग में नहीं लगता था। उसे लगता था कि ट्रेनिंग से ज्यादा किस्मत और कनेक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। शायद शर्लिन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों को यह लगता था कि करण ग्रोवर को स्विमिंग सिखाने का काम घमंड करने लायक है, पर संजना ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाकर भी वो इससे इनकार नहीं कर पाई। अगर वो इसके लिए मना कर देती तो ना सिर्फ उसे क्लब के एंडोर्समेंट से हाथ धोना पड़ता बल्कि वो एक मुश्किल सिचुएशन में पड़ जाती। उसने पिछली सारी यादों को साइड में रख कर करण को सिर्फ एक क्लाइंट समझकर स्विमिंग सिखाने का सोच लिया था। वो अपने मन को समझाती रहती कि दोनों के बीच अब कुछ बाकी नहीं है, बस ये कोई एक बहुत ही अच्छी डील थी और उसे इस वक्त पैसों की सख्त जरूरत भी थी। उसके पास अपने आप को शांत और संतुलित रख पाने का बस यही एक तरीका था। उसे इतना समझ आ गया था कि करण उसे आसानी से स्विमिंग सिखाने देने वाला नहीं है। आज के सेशन का टाइम शुरू हुए 15 मिनट बीत चुके थे और करण अभी तक वहां पहुंचा भी नहीं था, शायद इसलिए कि वो दोबारा उसे देखना नहीं चाहता हो। खैर, फिलहाल तो वो यही आशा कर सकती थी कि करण जाकर अपनी माँ से कोच बदलने के लिए रिक्वेस्ट करे और दोनों को एक दूसरे से और ज्यादा परेशान होने से बचा ले। संजना को और 10 मिनट इंतजार करवाने के बाद करण वहां पहुंचा और कपड़े चेंज करने के बजाय कुर्सी पर जाकर बैठ गया। संजना ने उसके पास जाकर उसे याद दिलाने के लिए कहा, हमारा सेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, अपने कपड़े उतार लो। अपने एक हाथ से कुर्सी के हैंडल को पकड़कर करण संजना को इग्नोर करते हुए सामने देखने लगा, जैसे कि वहां कोई है ही नहीं। कुछ पल चुप रहने के बाद संजना ने गहरी सांस लेते हुए एक बार फिर कहा, पानी के अंदर जाने से पहले कपड़े उतारने की जरूरत होती है। करण ने बेरुखी से जवाब दिया, अपने कपड़े उतारूं? करना क्या चाहती हो तुम? उसके इस बेरुखे अंदाज में भी एक अनकहा सा अट्रैक्शन और थोड़ी दिल्लगी का एहसास था, लेकिन यह कह पाना मुश्किल था कि वो संजना का मजाक उड़ा रहा था या उसे छेड़ रहा था। यह सुनकर संजना सकपका सी गई और कुछ बोल नहीं पाई। फिर अपनी बेचैनी को दूर करते हुए वो शांत अंदाज में बोली, अगर तुम कपड़े नहीं चेंज करोगे तो पानी के अंदर आकर स्विमिंग कैसे सीखोगे? करण ने कुर्सी पर पीछे होकर बैठते हुए उसे अपनी गहरी आंखों से देखा। संजना का चेहरा परेशान और उदास हो गया था। उसने हल्के गुस्से में कहा, अगर तुम स्विमिंग नहीं सीखना चाहते हो तो जाकर अपनी माँ को बता दो, मुझे भी तुम्हें सिखाने की कोई ख्वाहिश नहीं है। करण कुछ नहीं बोला और कुछ देर के लिए वहां फिर से खामोशी छा गई। संजना कुछ देर वही खड़ी करण को देखती रही इस इंतजार में कि वो कुछ बोलेगा। 2-3 मिनट बाद करण कुर्सी पर बैठे हुए गहरी और लंबी सांसें लेने लगा। संजना वहां चुपचाप खड़ी रही, लेकिन जब करण ने लंबी सांसें लेना शुरू किया तो उसने उसे गौर से देखा। करण आंखें बंद कर सो चुका था। उसे करण पर गुस्सा आने लगा। उसने बड़बड़ाते हुए कहा, मैंने कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा,
जो स्विमिंग सीखने के लिए आए और पानी के अंदर जाने के लिए अपने कपड़े चेंज करने से मना कर दे, फिर कुर्सी पर बैठकर सो जाए। अगर इसे पता नहीं कि अपनी दौलत का क्या करें तो दान में दे दे, यहां कर मुझे परेशान करने की क्या जरूरत है। संजना ने अपना हाथ करण के सिर के ऊपर हिलाया, लेकिन वो तो शांति से सो रहा था, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। संजना को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस इंसान को ऐसे हालातों में भी सच में नींद आ सकती है। वो ये देखने के लिए झुकी कि करण सच में गहरी नींद में है या नहीं। उसने अपना हाथ उसके चेहरे के सामने हिलाया, लेकिन करण ने पलक तक नहीं झपकाई। फिर वो चिल्लाई, ओए! लेकिन अब भी करण की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। संजना ने अपनी आवाज धीमी करके फिर से कहा, करण! लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। करण बिना हिले डुले बैठे बैठे ही सो रहा था। उसके हाथ उसके सीने पर थे। उसके हाथों को देखकर संजना को करण के साथ बिताए वो पल याद आ गए, जब उसके नरम लेकिन मजबूत हाथों को पकड़ने पर उसे सिक्योर फील होता था। संजना करण के हाथों को निहारते हुए बिल्कुल भी नहीं हिली। उसका हैंडसम चेहरा, जो उससे कुछ ही इंच दूर था, उसे अपने में खो जाने के लिए मजबूर कर रहा था। उसके चेहरे पर आमतौर पर नजर आने वाले गुस्से के एक्सप्रेशंस किसी बहती नदी की तरह शांत थे। बड़ी पलकों और लंबी नाक के साथ उसके चेहरे की साइड पर पड़ रही बल्ब की रोशनी उसके चेहरे को और ज्यादा निखारते हुए और भी हैंडसम बना रही थी। संजना का दिल एक ड्रम की तरह जोर जोर से बज रहा था। उसे लगा जैसे धड़कन की आवाज करण से आ रही है, लेकिन उसे तुरंत समझ आ गया कि ये करण के दिल की नहीं बल्कि उसके खुद की दिल की धड़कनों की आवाज थी। करण को देखते हुए संजना के दिल की धड़कनें बेकाबू होती जा रही थी। उसने खुद पर काबू करते हुए एक झटके से पीछे की ओर मुड़ी और बाहर जाने लगी। तभी करण, जिसकी आंखें अब तक बंद थी, उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और बाहर जाती संजना को पीछे से देखने लगा। ट्रेनिंग हॉल से बाहर निकलने के बाद संजना ने अपने आप को संभाला। उसे लगा कि करण के लिए दोबारा मन में कुछ लाने के बारे में सोचना भी बेकार है। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखने पर उसकी नजर सामने कॉरिडोर में खड़े मैनेजर मिस्टर मेहता पर पड़ी, जो अपनी असिस्टेंट को कुछ काम बता रहे थे। थोड़ा हिचकिचाने के बाद संजना उनके पास गई। जब मिस्टर मेहता की नजर संजना पर पड़ी तो अपनी असिस्टेंट को वहां से जाने के लिए कहकर उन्होंने मुस्कुराकर संजना से कहा, मिस अरोड़ा, क्या आज का आपका सेशन खत्म हो गया? गहरी सांस लेकर और अपना सिर हिलाते हुए संजना बोली, मिस्टर मेहता मिस्टर ग्रोवर स्विमिंग सीखना ही नहीं चाहते। पानी में उतरने की बात तो दूर, वो अपने कपड़े भी चेंज नहीं करना चाहते। मिस्टर मेहता ने संजना को समझाते हुए कहा, तुम्हें पेशेंस रखना होगा, उन्हें वाटर वर्टिगो है तो उनकी परेशानी को दूर करने का कुछ ना कुछ तरीका तो होगा ही ना। संजना अपनी परेशानी मिस्टर मेहता को बताते हुए बोली, मुझे लगता है कि मैं भी एक लिमिट तक ही कुछ कर सकती हूँ मिस्टर मेहता, क्यों ना मिसेस ग्रोवर को ये बताने में आप मेरी मदद करें कि मैं उनके बेटे को स्विमिंग सिखाने लायक नहीं हूँ। मुझे किसी को सिखाने का अच्छा एक्सपीरियंस भी नहीं है, उन्हें किसी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड कोच को ढूंढना चाहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं पिछले सेशंस के लिए एक रुपया भी नहीं लूंगी और मिस्टर ग्रोवर के लिए एक अच्छा कोच ढूंढने में भी मदद करूंगी। शायद इससे कॉन्ट्रैक्ट, बोलते हुए संजना वहीं रुक गई। वो जानती थी कि उसकी अधूरी बात का मतलब मिस्टर मेहता जरूर समझ गए हैं। हाथ जोड़ते हुए मासूम चेहरे के साथ संजना उनके सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज प्लीज मिस्टर मेहता, मैं गारंटी देती हूँ कि अगले स्टूडेंट को सिखाने के लिए मैं अपने पूरे दिल से मेहनत करूंगी और फीस भी कम लूंगी। मिस्टर मेहता भी परेशानी में पड़ गए। वो जानते थे कि करण का कोच बदलना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन वो संजना को भी ठेस पहुंचाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सोचा था कि शायद अपनी इस कंफ्यूजिंग सी रिलेशनशिप को साइड में करके संजना और करण आगे चलकर साथ में काम कर पाएंगे। कुछ देर ये सब सोचने के बाद वो बोले, ठीक है, मैं मिसेस ग्रोवर से इस बारे में तुम्हारी बात करवाने में मदद करूंगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि कुछ बात बनेगी। संजना खुश होते हुए बोली, ठीक है, मेरे लिए इतना ही काफी है कि आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं इसके लिए आपकी आभारी रहूंगी। यहाँ बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब करें पॉकेट एफएम चैनल को
और बेल आइकन बेल क्लिक करके अगले एपिसोड का नोटिफिकेशन पाएं। लेकिन आप सारे एपिसोड अभी सुनना चाहते हैं तो डाउनलोड करें हमारा पॉकेट एफएम ऐप, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहां आप पाएंगे इस शो के सारे एपिसोड्स और साथ ही इसके जैसे और भी बेहतरीन शोज। तो देर किस बात की, अभी डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।